का जो दिल है वो कलयुग में जिन तपस्या कर नहीं सकता है, इसलिए ठाकुर जी ने कहा मेरे कोई बात नहीं, तुम लोगों के लिए मैं ही तपस्या कर लेता, अगर कोई बद्रीनाथ में जाकर के दर्शन कर ले कि ठाकुर जी का वरदान है, मैं जो तपस्या कर रहा हूँ क्योंकि ये तपस्या का जो छठवा भाग का फल केवल बद्रीनाथ को दर्शन मात्र से ही उसको प्राप्त हो जाता है। इसलिए और विशेष करके आज जो दर्शन है बद्रीनाथ का, आज का दर्शन का तो विशेष विशेष महत्व श्री बद्रीनाथ का, और आज का दिन ठाकुर जी की शरीर में ये चंदन के द्वारा ठाकुर जी को आज हम लोग श्रृंगार करते हैं। बोले ये चंदन के द्वारा श्रृंगार क्यों करते हैं? बोले कारण है कि आज से इस बार तो थोड़ा एक महीना ज्यादा हो गया था, लेकिन वैसे आज से गर्मी ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है, आज ज्यादा गर्मी ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है होने का नाते, इसलिए जगन्नाथपुरी में भी वहां पर भी चंदन यात्रा है जगन्नाथपुरी। आज से ठाकुर जी को आज का हम लोग मंदिर में एक दिन ठाकुर को चंदन का श्रृंगार कर रहे हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी में वहाँ 21 दिन तक जगन्नाथ को चंदन लगता है 21 दिन तक। और वहां पर जगन्नाथपुरी कौन कौन गए हो, हाथ उठा तो कौन कौन जगन्नाथपुरी गए हो, हाथ उठा कौन कौन गए? इसलिए जगन्नाथपुरी में एक सुंदर सरोवर है जिसका नाम भी चंदन सरोवर, वो सरोवर का नाम चंदन सरोवर है। वहां पर जगन्नाथ का जो विजय विग्रह से ठाकुर जी कृष्ण उनको ले जाते हैं वो सरोवर विशाल सरोवर है वहां पर है, कहते वहां पर श्री कृष्ण को 21 दिन तक पूरा शरीर में भगवान को चंदन का श्रृंगार होता है, और अलग अलग दिन अलग अलग ठाकुर का वेश होता है। जैसे कृष्ण वृंदावन में, जैसे यमुना नदी है, जैसे कृष्ण यमुना नदी में ये ब्रज गोपियों को लेकर के नौका विहार करते थे, कहते वहां पर भी है, वहां पर भी श्री जगन्नाथ जी कृष्ण वहां पर भी अपना गोपियों को लेकर के जगन्नाथपुरी में 21 दिन तक वहां पर है क्या होता है, 21 दिन तक ठाकुर जी बड़े सुंदर वहां पर सरोवर में ठाकुर जी ठीक थी, ठाकुर जी सरोवर में ठाकुर जी के बड़ा सुंदर जल विहार ठाकुर जी का बड़े सुंदर है। इसलिए आज का दिन से ही जो रथ यात्रा हुई जगन्नाथपुरी में, रथ यात्रा दर्शन किया हो, कौन कौन रथ यात्रा देखे देखे हो जगन्नाथ जी, यदि जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा आज का दिन रथ बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि आज अभ्यर्थ किया ना, क्योंकि आज कोई भी काम आंख बंद करके किसी काम में हाथ लगा दो वो काम तुम्हारी जरूर बढ़िया ही होगा, कभी खराब नहीं होगा है। इसलिए जगन्नाथ जी की जो रथ है आज का दिन रथ यात्रा के लिए तैयारी, और श्री जगन्नाथ जी की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जो ठाकुर जी तीनों रथ में बैठ करके है द्वारका से कृष्ण वृंदावन जाते हैं, आज से ही ठाकुर जी की रथ बनना शुरू हो जाता है ठाकुर जी। इसलिए आज का दिन, क्योंकि आज से गर्मी थोड़ा ज्यादा पड़ता है और चंदन में ठंडक होता है, चंदन में ठंडा होता है, इसलिए ठाकुर जी चंदन को ठाकुर जी की बड़ी प्रिय है। इसलिए कहते हैं ना सुचारु वस्त्र मंडल सुकर्ण रत्न कुंडल सुचारुचितांग चंदन नमामि नंदनंदन नमामि नंदनंदन नमामि नंदनंदन नमामि नंदनंदन नमामि नंदनंदन सुकेत वंदनम शिखिकंड मूर्धनम अनंग कोटि मोहनम नमामि नंदनंदन नमामि नंदनंदन नमामि नंदनंदन
चार चित्तान गंजनंदनम नमामि नंदनंदनम ठाकुर जी बड़े सुंदर चंदन चर्चित नव कलेवर ठाकुर जी बड़े सुंदर ठाकुर को चंदन की श्रृंगार होता है ठाकुर जी है। इसलिए हमारे महाभारत में भी महाप्रभु के लिए बताए कि उनका गृहस्थ लीला में चार लक्षण और उनका सन्यासी लीला में भी चार लक्षण है। महाप्रभु गृहस्थ लीला करेंगे उनका चार गुण बताए क्या है बोले सुवर्ण वर्ण हेमांग उनका शरीर कैसे है एकदम राधा रानी जैसे अंग कांति है जैसे सोने को गर्म करने से जैसे उसका रंग बड़ी सुंदर निकलता है एकदम ऐसे ही महाप्रभु का जो शरीर है सुवर्ण है वर्ण बरांग बड़े सुंदर है प्लस चंदन अंग भी महाप्रभु का शरीर बड़े सुंदर चंदन के द्वारा महाप्रभु बड़े सुंदर चंदन के द्वारा महाप्रभु का श्रृंगार। इसलिए हर जगह में देखना जैसे ठाकुर जी को रोज हम ठाकुर जी को पूजा करते हैं मगर चंदन के ठाकुर की पूजा नहीं होती चंदन जरूर चंदन लगाते हैं ठाकुर जी इसलिए चंदन ठाकुर जी का बड़ा प्रिय है चंदन है। इसलिए इस जो चंदन का जो श्रृंगार विशेष करके श्री माधवेंद्रपुरी जब उन्होंने गोपाल जी को प्रकट किया कहाँ से गोपाल जी को प्रकट किया था बोले गिरिराज गोवर्धन से है। जब गिरिराज गोवर्धन से माधवेंद्रपुरी अजाचलोपृति था हम किस कोई चीज नहीं मानते थे छब्बीस घंटा में छब्बीस घंटा क्या करते थे हरे कृष्णा हरे सब जब बोला हरे राम हरे राम राम हरे हरे जोर से बोला हरे नाम करते थे और भगवान के ऊपर में इनका इतना विश्वास था। शरणागति में छह लक्षण है छह लक्षण एक लक्षण ही गोपते वर्णम वर्णम तथा भगवान जरूर मुझको पालन करेंगे। जब ठाकुर जी एक चिट्ठी से लेकर के एक हाथी का वो खिलाते हैं ठाकुर जी का जो भजन करेंगे वो ठाकुर को कोई भूखा रह सकता है कोई भजन करे नहीं करे तभी ठाकुर जी चिट्ठी से लेकर हाथी तक उनको भरण पोषण करते। इसलिए ठाकुर का एक नाम है चिंतामणि भगवान का है भगवान का नाम है चिंतामणि। चिंतामणि मतलब सबका जो चिंता करते हैं कौन खाया नहीं खाया ठाकुर जी को सब ध्यान रहता है। बोले श्री राधा विनोद बिहारी जो की जय श्री राधा विनोद की जय इसलिए श्री माधवेंद्रपुरी क्या करते थे माधवेंद्रपुरी वो अजात प्रति थे इसलिए भगवान के ऊपर में इनका पूर्ण विश्वास था ठाकुर जी जरूर हमें पालन करेंगे ही यदि विश्वास क्यों था ठाकुर जी के ऊपर क्योंकि वो भगवान की शुद्ध रूप में भक्ति करते थे भक्ति करने का वजह से इनका पूर्ण विश्वास था भगवान जरूर हमें भरण पोषण करेंगे। इसलिए वो किससे मांगते नहीं थे कभी किससे कोई चीज नहीं मांगते थे जब नहीं मांगते थे फिर उनका पेट कैसे भरता था एक बात इसलिए यदि उनको फिर पेट कोई अगर अगर अपने आप दे दिया तो दे दिया खा लिया अगर नहीं दिया तो फिर वो खाते थे क्या खाते थे बता जब कोई दे दिया तो उन्होंने भोजन कर लिया लेकिन जब कुछ ने नहीं दिया फिर भोजन कैसे करते बोलो कैसे भोजन करते इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं यदि कृष्ण नाम सुधा करिया पान जुड़ाओ भक्ति विनोद पान यदि भगवान का जो नाम को अमृत के साथ जुड़ा कृष्ण नाम सुधा है जो वो हरि नाम करते थे वो हरि नाम करते समय हरि नाम से ही वो अपनी आप ही अमृत निकलता अपने आप अमृत निकलता था वो अमृत को पान करते हुए उनको कोई भूख तृष्णा कुछ नहीं होता लेकिन वो बहुत ऊंचा स्थिति है वो स्थिति बहुत ऊंचा स्थिति है सचमुच से जब हम भी
भगवान का नाम को शुद्ध रूप में उच्चारण करेंगे, अपराध रहित होकर के जब सारे अनर्थ को दूर करते हुए जब शुद्ध हरि नाम करके अगर ये जगत का खाना पीना नहीं होने पर भी चल जाएगा, तभी अगर नहीं होने पर भी खाना पीना चलेगा, लेकिन वो स्थिति बहुत उच्च स्थिति, इसलिए वो हरिनाम रूप का पान करते हुए उसमें ही तृप्त रहते थे। एक दिन क्या हुआ, इसने उनको कुछ दिया ही नहीं भोजन, और बैठ करके भगवान में नाम जप कर रहे थे। इतने में ठाकुर को चिंता लग गया, मेरा भक्त भूखा है। इसलिए गोस्वामी जी क्या कहते हैं, जिनी बाल रखे महतारी, जैसे एक मैया हैं क्या करती हैं, जैसे अपना बालक को भरण पोषण करती हैं, देखना बच्चों को खाने पीने का कोई चिंता रहता है, वो मस्ती से खेलते कूदते हैं, खेलते कूदते उनको कोई खाने पीने का कोई चिंता नहीं रहती, क्यों, उनको पूर्ण विश्वास है और वो अपना पिता माता का चरण में ये शरणागत है, पिता माता की चरण में ये शरणागत है, शरणागत होने का नाते, इसलिए वो शरणागत होने का नाते है, और ठाकुर जी को ऊपर में पूर्ण विश्वास है, इसलिए उनको कोई भोजन की खाने पीने का बच्चे कोई चिंता नहीं करते, लेकिन पिता माता उसका भरण पोषण पिता माता करते हैं। उसी तरह माधव इंद्रपुरी ठाकुर जी ने सोचा, मेरा भक्त भूखा पड़ा हुआ, अब इनको भोजन कौन खिलाएगा, ठाकुर जी स्वयं उनको दूध ला करके देते हैं, बोले माधव इंद्रपुरी दूध पी लो, लगता है तुम भूखे हो, बोले तेरे को कैसे पता चला मैं भूखा हूँ, बोले यहाँ पर कुछ माताएं यहाँ पानी भरने के लिए आए थे कुएं में, और तुमको यहाँ पर अकेले बैठे भजन करते हुए दिखा, इसलिए मेरे द्वारा ये दूध भेज दिया, बोले लो ये दूध को पी लो, मैं गैया चराने जा रहा हूँ, जब वापस जाऊंगा ना ये पात्र को ले जाऊंगा, तुम रख लेना, बोले कोई बात नहीं। जब उनने दूध को पिए, जीवन में तो दूध उन्होंने बहुत पिए हैं, लेकिन ठाकुर को दिया हुआ दूध, जिसको स्वयं कृष्ण ने दूध दिया, समझो वो दूध में कितना स्वाद नहीं होगा, उसमें कितना टेस्ट उसमें नहीं होगा, जब वो दूध को पिए ना उनका रोम रोम खिल उठा, हृदय प्रेम में गदगद हो गया, उनकी नेत्र से आंसू बहने लग गया, बोले इतने स्वादिष्ट दूध कभी जिंदगी में मैंने पिया ही नहीं। पी करके जब थोड़ी सी उनको झपकी आई ना, थोड़ी सी निद्रा तंद्रा आई, बस कृष्ण वहां प्रकट हो गई, बोले माधवेंद्र बड़े दिन से मैं तेरे राह देख रहा था, हैं मेरे को बज्रनाभ ने कृष्ण का जो पौपत्र था उसने मेरे को प्रकट किया है, और यहीं पर पूजा कर रहे थे, लेकिन मुसलमान लोग आक्रमण करने पर मेरे सेवक लोग मेरे को ये जंगल में छोड़ करके चले गए, और ये जंगल में मैं पड़ा हुआ हूँ, बड़ी दीन से तेरे राह देख रहा था, कब तू आकर के मेरी पूजा करोगे, तब उन्होंने उनका हाथ पकड़ कर ले गए, लेकर कहाँ ले गए, जंगल में लेकर गए, बोले देखो इस जंगल में यही पड़ा हुआ हूँ मैं, ये गांव का ठाकुर देवता हूँ, और मेरे को यहाँ से तुम यहाँ के लोगों को लेकर के मेरे को यहाँ से प्रकट करो यहाँ से। फिर दूसरे दिन फिर जब उनको झपकी खुल गई ना, बोले वो छलिया ने मेरे को छल दिया, ठग दिया, वो कृष्ण ने ही दूध लेकर के आया था, दूध किसने लाए थे, वो कृष्ण स्वयं दूध लेकर के आए थे, और मेरे को ठग करके चले गए, मैं पहचान नहीं पाया, रोने लग गए। फिर गांव वालों को बुला करके उन्होंने बोले तुम्हारी गांव का देवता जंगल में पड़े हुए हैं, फिर उनको जंगल से निकाले और गोविंद कुंड का पानी से बड़े सुंदर उनको अभिषेक किया, पंचामृत से उनको अभिषेक किया, और इतना भंडारा हुआ ना है, मथुरा से बड़े बड़े सेठ लोग जा करके बड़े धूमधाम से वहां पर उन्होंने भंडारा लगाया, एक महीना तक भंडारा वहां पर चले, और बड़े धूमधाम से उत्सव हुई। होने पर फिर ठाकुर जी स्वप्न दिए, बोले माधवेंद्र मैंने यहाँ बहुत दिन से पड़ा हुआ था, और मेरे शरीर ये गर्मी से मेरा शरीर तप रहा है, इसलिए एक काम करो जगन्नाथपुरी जाओ, वहां से मलय या चंदन लाओ, ला करके मेरे शरीर में लगाया करो, हैं? देखो चंदन ठाकुर को कितने प्यारा है, और उन्होंने ठाकुर जी का आदेश पालन करते हुए कहाँ पर गए, श्री जगन्नाथपुरी गए। जगन्नाथपुरी जाते समय बीच में खीर चुरा गोपीनाथ पर रुके, जब उनने पूछा ठाकुर को क्या भोग लगता है, बोले खीर भोग लगता है,
बोले उसका नाम क्या? बोले अमृत कली। बोले अमृत कली, उसका नाम ही इतना सुंदर है। आप लोग बताओ तो कौन कौन खाए, कौन कौन खाए, हाथ उठाओ तो कौन कौन खीर चुरा गोपीनाथ का, किसने खीर खाए हो, हाथ उठाओ कौन कौन खीर खाए हो। हाँ, इसलिए आप लोग खीर तो बहुत खाए होंगे, लेकिन अगर वो खीर ना, वो खीर में एक अलग स्वाद है, हैं? ऐसे स्वाद तो किसी खीर में होता ही नहीं, क्योंकि वो ठाकुर की प्रसाद की विशेष महत्व है, ठाकुर जी की प्रसाद की विशेष महत्व है वहां की। इसलिए उन्होंने बोले अमृत कली। अभी वो क्या सोच रहे हैं, अगर इसको थोड़ी सी स्वाद मेरे को मिलता ना, मैं भी ऐसे ठाकुर जी को ऐसे ही खीर बना कर खिलाता। देखो ये भक्तों का भावना क्या है, भक्तों का भावना है जैसे अगर हमने कहीं गए वहां पर कोई बढ़िया प्रसाद कहीं बना हुआ, अगर वो प्रसाद वो खाए तो भक्तों का भावना क्या होनी चाहिए, भैया हम भी, हमारा घर में जो ठाकुर जी है ना, हम भी ठाकुर को ऐसे ही भोग लगाएंगे, ये भावना होनी चाहिए। जैसे हमने कहीं गया, ठाकुर जी को देखा, बड़े सुंदर ठाकुर का श्रृंगार है, बड़े सुंदर ठाकुर जी का कपड़ा पहनाया, फिर इसको देख करके हमारे मन में क्या लोभ होनी चाहिए, ये लोभ नहीं होनी चाहिए, भैया मेरे लिए अगर इतना बढ़िया सुंदर कपड़ा होता तो मैं अगर इसे पहनता तो कितना बढ़िया, नहीं, क्या भावना होनी चाहिए, हम भी ऐसे बना करके अपना ठाकुर जी को, हम भी अपना ठाकुर जी को ऐसे पहनाएंगे, ये लोभ हमारी अंदर में होनी चाहिए, अपना लिए नहीं लोभ होनी चाहिए, ठाकुर जी के लिए हमारी लोभ होनी चाहिए। इसलिए मेरे जो गुरुदेव थे एक समय, उन्हें जो तोटा गोपीनाथपुरी में है ना, तोटा गोपीनाथपुरी में कभी गए, पुजारी ने कभी हमारे गुरुदेव को प्रसाद दिए, जब प्रसाद खिलाए तो उन्होंने प्रसाद में देखा साग है, उसमें भाजी है, उसमें गड्ढे का सब्जी है, रसा है, चाटनी है, खीर है। तब मेरे गुरुदेव जब वो प्रसाद को पाए ना, तब उन्होंने मंदिर में आए, आकर के बोले आज से हमारे ठाकुर को भी ऐसे भोग लगनी चाहिए, हमारे हमारे ठाकुर जी को भी, उन्होंने देखा तोटा को भी ना तो कैसे भोग लगाया ना, इसलिए बोले आज से हमारे ठाकुर जी को भी ऐसे भोग लगे। फिर हमारे गुरु जी के मंदिर में फिर तब से साग होनी चाहिए, भाजी होनी चाहिए, हैं, चाटनी होनी चाहिए, खीर होनी चाहिए, हैं, खीर होनी चाहिए, तब से हमारे गुरुदेव मंदिर में प्रसाद लेकर गई हो, भरत अनुकुथा प्रसाद हो। इसलिए तब से हमारे गुरुदेव क्या किए, उन्होंने हमारे मंदिर में भी ऐसे ठाकुर जी के लिए सेवा की, उन्होंने व्यवस्था कर दी है। इसलिए नियम है, नवीन प्रभु की जय, यदि आसन प्रभु एट आसन दिए प्रभु, और क्या आसन ले। इसलिए ठाकुर जी के लिए नियम है, हैं, जैसे हम देखे ठाकुर जी को ऐसे सेवा, एक माला ना वृंदा देविका की माला उतार कर गले में दे देना, ठीक, वृंदा देवी का माला, इसलिए नियम है यहाँ पर है ना, वृंदा देवी माला ले लो, अरे यहाँ पर वृंदा देवी की माला यहाँ रखें, अरे ये 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 गोपीश्वर महाते, अरे प्रभु यदि सुन अपने की चलिया से, तुम लोग एक को बोलना दस खड़े हो जाते हो, और हाँ, अरे देखो ये गोपीश्वर महादेव गले में तुम्हें माला है, अरे इसलिए नियम है, हो गया जब प्रभु जी गला, इसलिए नियम है, अगर हमारे कहीं अगर हम जाते हैं, हैं, कहीं अगर हम जाते हैं, हम देखते हैं ठाकुर जी की ऐसे सेवा हो रही है, फिर क्या करनी चाहिए, हमारे प्रभु आशुवेन आसु देखे ना आसु, ओ ठीक, प्रभु जो पाना 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 है, प्रभु जी को पाना एक गिलास दो, प्रभु जी को पाना दो गिलास। इसलिए नियम है, अगर कहीं ठाकुर जी की अच्छी सेवा अगर हम देखते हैं, हैं, हमारी मन में भावना होनी चाहिए, क्या भावना होनी चाहिए, हमारी ठाकुर जी को भी ऐसे सेवा होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने जब देखा ठाकुर जी को ऐसे सेवा हो रही है, इनकी मन में भी इच्छा हुई, अगर इसकी स्वाद अगर मेरे को थोड़ा मिलता, मैं भी ऐसे ठीक मेरे ठाकुर जी को मैं भी ऐसे भोग लगाता, अभी मिलेगा कहाँ से, लेकिन उन्होंने उनके अंदर में जो ये भावना आई ना, उन्होंने अपने आप को उन्होंने धिकार दिया, हैं, उनको दिया है, उनका अपने आप को उन्होंने धिकार दिया है, धिकार दे करके
अरे वहां से उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहां से चले गए। चले गए कहां गए, हम लोग जाते हैं ना दर्शन करने के लिए, ए दिया है उनको, ठीक। इसलिए वहां से उन्होंने चले गए, कहां चले गए, जहां पर एक बाजार था, हाट था, वहीं पर चले गए और वहीं पर बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि नाम कर रहे थे। जब हरि नाम कर रहे थे उन्होंने क्या हुआ, फिर उन्होंने ठाकुर जी क्या किया, उनको जो बाढ़ सकोड़े में ठाकुर जी को भोग लगता है उन्होंने एक को उन्हें छुपा कर रख दिया, लेकिन ठाकुर जी की माया से उनको पता ही नहीं चला हैं। जब सो गया पुजारी इसको स्थान को साफ करते हुए ठाकुर जी का फिर स्वप्न आया, बोले पुजारी पुजारी उठो उठो, मेरे ब्रज से एक भक्त आया है जिनका नाम श्री माधवेंद्र पुल, उनकी मन में इच्छा हुई थी खीर खाने के लिए, इसलिए मैंने एक खीर की सकड़ा मैंने अपना कपड़े को अंदर में छुपा करके रखा है, जाओ ये खीर लेकर के उनको दो। बोले सारे तो उठा करके मैं ले आया, रह गया कैसे, सचमुच से आकर के देखते हैं ठाकुर जी कपड़े को नीचे ठाकुर छुपा करके रखे हैं, उसी दिन से ठाकुर का नाम क्या पड़ गया, खीर चोरा गोपीनाथ। पहले ठाकुर का नाम गोपीनाथ था, उसी समय कौन कौन गए हो, खीर चोरा गोपीनाथ गए हो, खीर चोरा गोपीनाथ, इसलिए ठाकुर जी को क्या बोलते हैं, खीर चोरा गोपीनाथ, खीर चोर चोर। अगर चोर को भी अगर चोर बोल दो ना उसका क्रोध आ जाता है, मेरे को चोर बोल रहे हो, इसलिए चोर को भी चोर बोलो, वो चोर नाम सुनना नहीं चाहते, चोर को भी चोर बोलो तो कुछ गुस्सा होता है, लेकिन जो दुनिया आता है ना, दुनिया जो आता है ठाकुर को चोर 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 चोर, ठाकुर जी को चोर बोलते हैं, लेकिन ठाकुर जी बैठ करके मुस्कुराते हैं, ठाकुर जी बैठ करके प्रभु जाचे ना भी नहीं, ठीक है धन्यवाद। इसलिए ठाकुर जी बैठ करके ठाकुर जी मुस्कुराते हैं, क्यों, हाँ चोरी तो किया है, लेकिन किसके लिए मैंने चोरी किया है, मैंने अपना भक्त के लिए मैंने चोरी किया है, इसलिए भगवान का एक नाम भक्त बत्सल है ठाकुर जी का नाम, इसलिए भक्त बत्सल है ठाकुर जी का नाम। कहते वो विग्रह को किसने बनाया था, भगवान रामचंद्र स्वयं अपना हाथों से हाँ पत्थर के ऊपर में भगवान राम ने स्वयं वो मूर्ति बनाई थी। बोले जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता पंचवटी वन में थे हैं, विशेष करके ऋषि मुनि आश्रमों को पास में रहा करते थे, एक दिन आंधी तूफान आई तो जितने गैया बछड़े सबके सब भागना शुरू कर दी, गैया बछड़ा भाग रहे थे, इतने में भगवान बैठ करके मुस्कुरा रहे थे। मैया सीता ने पूछा प्रभु क्यों मुस्कुरा रहे हो, बोले कोई बात नहीं, बोले ऐसे थोड़ी मुस्कुरा सकते हो, जरूर मन में कोई तो भावना आया होगा तभी तो आप मुस्कुरा रहे हो। तब भगवान राम का आप देखो, मैंने जो द्वापर युग में अभी तक मैं दशरथ राजा का मैंने बेटा बनकर के क्षत्रिय कुल में आया हूं, लेकिन जब द्वापर युग में आऊंगा मैं गोप कुल में आऊंगा नंद बाबा का लाला बनकर के, हाँ इसलिए कहते नंद के आनंद भाई हो जय कन्हैया लाल की, मैं नंद के लाला बनकर के आऊंगो, और इसी अवतार में तो मेरी तुम एक ही पत्नी हो केवल सीता है, लेकिन जब कृष्णा अवतार में आऊंगा ना मेरी एक पत्नी नहीं होंगे, जब तो मैं रहूंगा वृंदावन में एक तरह राधा रानी है ही है, फिर ललिता विशाखा चंपकलता तुंगो विद्या चित्रा सुचित्रा रंग देवी सुदेवी, जब फिर रास करूंगा ना 100 करोड़ गोपियों को साथ में, बोले इतने गोपियां होगी, बोले हाँ इतने गोपियां होगी, और जब मैं द्वारका जाऊंगा फिर 16108 पाटरानियों से शादी करूंगा हैं, और मेरे जो सखा होंगे ना प्रिय नरम सखा श्रीता वसुदा मधुमंगल स्तो कृष्ण अर्जुन लवंग सखा भी होंगी, और 9 लाख गैया को मैं लेकर चराऊंगो हैं, उसमें बड़े बड़े दैत्यों को हैं कंसों को और चारणों मुष्टि को पछाड़ दूंगो हैं। बोले इतना बड़ा पराक्रम, बोले हाँ बड़े पराक्रमी बनूंगा। इतने में सीता ने बोले प्रभु आप द्वापर युग में आप कैसे रूप होगा, थोड़ी सी कृपा करके हम दर्शन कराओगे, बोले ठीक है मैं तुमको 7 दिन बाद में दिखाऊंगा। इतने में भगवान राम ने एक गुफा को अंदर में गए, जा करके एक शिला के ऊपर में पत्थर शिला के ऊपर में धनुष का तीर से उन्होंने कृष्ण का मूर्ति बनाई,
लेकिन अभी 4 ही दिन ही हुआ, 7 दिन पूरी ही नहीं हुआ, लेकिन सीता जी के मन में बड़ा उत्कंठा हो रही थी, ठाकुर जी कैसे होंगे कैसे होंगे, उनको गोपियां कैसे होगी, सखा ग्वाल वाल कैसे होंगे कैसे होंगे, उनकी मन में इतने उत्कंठा उत्कंठा। वो 4 दिन में ना मैया सीता को तो रहा नहीं गया, बोले प्रभु दिखाओ कैसे आप होएंगे कैसे होएंगे आज दिखाओ। इतने में वो बन गया था करी करी मूर्ति, तब भगवान राम ने ये मूर्ति दिखाया, देखो ये ऐसे मूर्ति मैया सीता देख करके, बोले ठाकुर जी आप तो बड़े सुंदर हो हैं, आप इनमें तो कोई फर्क नहीं दिख रहा है, आप तो एक ही दिख रहे हैं। बोला हम तो एक ही है, थोड़ी दो है, लीला करने के लिए दो हुए हैं, लेकिन थोड़ी सी फर्क है। बोले क्यों? बोले आपका तो आंख है ना बड़ा गंभीर है, हैं कभी भी इधर उधर नहीं देखते, लेकिन इनका मन बड़ा चंचल है। बोले बहुत सारी गोपियां होगा तो चंचल होगा ही बहुत सारी गोपियां तो चंचल मन होगा ही, इसलिए बोले इनका हाथ में, आपका हाथ में तो धनुष है, लेकिन इनके हाथ में, कहते इनके हाथ में बंसुरी है, और जो आप है ना आप तो एकदम सीधा एकदम हैं सीधा हो, लेकिन ये इनको 3 जगह से ये टेढ़े हैं। बोले हाँ हम तो 3 जगह से टेढ़े हूँ, मेरी भक्ति भी है ना बड़ी टेढ़ी खीरी है, राम का भक्ति तो बड़े सरल सीधा है, लेकिन मेरी भक्ति भी तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नगजरिया, गोकुल तेरी टेढ़ी, मैया तेरी टेढ़ी, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी जसोदा डुकरिया, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, इसलिए मैं तो टेढ़ा है ही हूँ। इसलिए इतने में मैया सीता ने बोली, बोले प्रभु अगर आपका आदेश हो फिर मैं ये रूप को पूजा कर सकता हूँ। बोले कोई बात नहीं आप पूजा कर सकते हो। हाँ देखो यहाँ पर गुरुदेव कहा करते थे हमारी कृष्ण इतने सुंदर, इतने कृष्ण सुंदर है, लेकिन जब सीता जी ने जब कृष्ण रूप को देखा है ना, सीता की मन में भी लोभ आ गई, हम ये मूर्ति को पूजा करें। बोले पूजा कर सकती हो, लेकिन कोई गोपियां भी हैं, ये गोपियां कृष्ण जब उन्होंने चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, पैठा में चतुर्भुज रूप कृष्ण ने धारण कर लिए, लेकिन गोपियां तो गई प्रणाम तो की, लेकिन उनको प्रति आसक्ति नहीं हुई। उनसे पूछे हमारी कृष्ण कन्हैया को कहीं देखे हो, हमारे कृष्ण को कहीं देखे हो। इसलिए गुरुदेव कहते थे जो गोपियों का मन है ना कृष्ण को छोड़ कर के गोपियों का मन कभी कहीं नहीं जाती है, लेकिन कृष्ण को देख करके दूसरे दूसरे का जो है जो पत्नी जैसे सीता है जैसे लक्ष्मी है, ये लोग भी कृष्ण रूप देख करके इनकी अंदर में भी लोभ आ जाता है इनकी भजन करने के लिए, इतने कृष्ण सुंदर है। बोले ठीक है आप पूजा कर सकती हो। मैया सीता वो कृष्ण भगवान कृष्ण को पूजा करते थे, लेकिन जब राक्षस का उपद्रव होने पर फिर विश्वामित्र मुनि आदि प्रार्थना करने पर फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से श्री रामचंद्र चले गए, दूसरे वन में रामचंद्र चले गए। जब चले गए नियम है जब कोई ठाकुर जी को हम स्थापन करते हैं उनका पूजा सेवा नित्य नियम रूप में होनी चाहिए। ऐसे नहीं आज इच्छा हुआ तो पूजा कर लिया, कल इच्छा हुई तो पूजा ही किया नहीं। नियम है ठाकुर जी को स्थापन करने के बाद नित्य नियमित रूप में ठाकुर को सेवा पूजा कंटिन्यू होनी चाहिए हैं। इतने में जब उनको सीता माता जब पूजा छोड़ कर चली गई, अभी ब्रह्मा जी ने देखा तो गड़बड़ी हो गई, भैया सीता तो चली गई ठाकुर को सेवा पूजा कौन करेगा। इसलिए ब्रह्मा जी रोज ब्रह्म लोक से ब्रह्मा जी आते थे और आकर वो ठाकुर जी को सेवा पूजा करते थे हैं, ब्रह्मा स्वयं पूजा करते थे। फिर जब ब्रह्मा पूजा करते थे जिस समय श्री उड़ीसा के एक राजा थे जिनका नाम था लांगुला नरसिंह देव, तभी उन्होंने जंगल में भ्रमण करते करते उन्होंने देखा ठाकुर जी को, बड़ा सुंदर ठाकुर है, एक मूर्ति में कौन कौन देखे हो वो ठाकुर जी कौन कौन देखे हो, कृष्णा गोविंदा था तो देखना एक शिला को अंदर में उसमें 4 मूर्ति कभी है हैं, उसमें ग्वाल वाल भी है, कृष्ण का सखी है, कृष्ण का सखा भी है, उसमें कुछ गैया की मूर्ति एक पत्थर के अंदर में, ये सारे मूर्ति एक पत्थर में, अब जांबू फल भी उसका अंदर में है, ये बहुत सारी चीज एक शिला के अंदर में। इसलिए जब ब्रह्मा जी ने देखा बोले बड़ी सुंदर ठाकुर जी, और यहाँ पर जंगल में पड़ा हुआ इसको पता नहीं ये अकेले कैसे पड़ा हुआ, लेकिन उनको पता नहीं था ब्रह्मा रोज आकर के
वो ठाकुर जी को रोज ब्रह्मा जी पूजा करके जाते है। फिर उड़ने के ठाकुर जी को लेके कहाँ चले गए, पुलिस को चला हम उड़ीसा मिल जाते। करते करते जब रेमुना में आए हैं, रेमुना में अभी यहाँ पर रेमुना मतलब रमणी, जहाँ पर बड़ी सुंदर नदी, बड़े सुंदर पेड़ पौधा लता पता, वहाँ पर ग्वाला लोग रहते थे हैं, गैया रहता था, बहुत सारे गैया ग्वाला रहते थे, बड़े सुंदर वो स्थान था। जब लाते लाते वहीं पर आए ना ठाकुर जी को, वहीं पर रात को डुबाया, ठाकुर जी बोले महाराज मेरे को यहाँ से भग ले जाए, क्योंकि मेरे जात भाई लोग यहाँ पर, ग्वाला लोग यहाँ पर है, यहीं पर रहूँगा तो कोई खाने पीने का कभी नहीं रहेगा, लड्डू कचौड़ी माधवेंद्रपुरी बाद वहीं पर आए और उनके लिए उन्होंने चोरी की। क्या चोरी की? उनके लिए खीर चोरी की, और खीर चोरी करते हुए इसलिए उनका नाम पड़ गया खीर चुरा गोपीनाथ। फिर जब यहाँ से जब ठाकुर जी के लिए खीर चोरी की, फिर वहाँ से क्या हुआ, फिर तो उन्होंने देखा मेरे लिए ठाकुर जी खीर चोरी किए, सबरे उतरे हल्ला हो जाएगा, क्या हल्ला हो जाएगा, इनके लिए ठाकुर जी खीर चोरी किए, सारा दुनिया के लोग मेरे आने लग जाएंगे मेरे को दर्शन करने के लिए है। फिर चरण छुएंगे, बल्कि ठाकुर जी आपके लिए खीर चोरी किया, फिर क्या होगा, हमारे भजन में बाधा आए। तो उन्होंने रास्ता रात रात छोड़ कर चले, कहाँ चले गए, जगन्नाथपुरी चले। जब जगन्नाथपुरी गए, देखो प्रतिष्ठा का स्वभाव कैसा, प्रतिष्ठा स्वभाव इस जगत विदित जे नागा से तार है विधाता है। ये प्रतिष्ठा ऐसी चीज है कि प्रतिष्ठा छोड़ना बड़ा कठिन है, इसलिए महाप्रभु कहते हैं गुंडीचा मंदिर मार्जन में, भैया सब चीज छोड़ सकता लेकिन प्रतिष्ठा छोड़ना बड़ा कठिन है, जितने लड़ाई झगड़े सब प्रतिष्ठा के लिए। इसलिए महाप्रभु कहते हैं जब देखा सबको मंदिर को धो धा दिया, कंकड़ हटा दिए, सबको धो धा दिया अच्छे तरह से, लेकिन वहां पर इतना छोटकर दाग है, महाप्रभु ने क्या किया, अपना कपड़े को लेकर के घीच घीच कर उन्होंने उसको, उन्होंने कोशिश की घीच घीच करके वो दाग को छुड़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की है। इसलिए प्रतिष्ठा छोड़ना बड़ा कठिन है, प्रतिष्ठा ऐसी चीज है, लेकिन जब हृदय में प्रतिष्ठा क्यों चाहते, प्रतिष्ठा के आने का है, अगर किसी व्यक्ति को थोड़ी सी महिमा खोल दो, थोड़ी सी प्रशंसा कर दो खुश हो जाते हैं ना, थोड़ी सी गाली दे दो नाराज हो जाते हैं, थोड़ी सी महिमा गा दो प्रसन्न हो जाते हैं, हैं क्यों, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। लेकिन जब भक्तों के हृदय में शुद्ध भक्ति जब आए, भगवत भक्ति में जीव को इतने आनंद की प्राप्ति है, कदे कोटि ब्रह्मानंद नहि तार एक बिंदु, कृष्ण प्रेमानंद जे आनंद सिंधु, कृष्ण प्रेमानंद में जो आनंद है, कदे करोड़ों ब्रह्मानंद मिल करके भी उसका एक भूत को साथ में बराबर नहीं कर सकते, आनंद इतने कृष्ण भक्ति रस में, इसलिए उसको कृष्ण भक्ति रस इतने आनंद मिलता है, दुनिया का लोग प्रतिष्ठा दे नहीं दे उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कृष्णा ना कृष्ण भक्ति आनंद में रहते हैं, इसलिए वहां छोड़ कर चले गए। लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं, जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते हैं ठाकुर जी इसको जोर जबरदस्ती देते हैं। जगन्नाथपुरी में एक जगन्नाथ क्या के सखा था, लेकिन बड़ा दीन व्यक्ति भजन करता था, दिन रात भजन करता था, लेकिन उसको कोई नहीं जानते थे कि जगन्नाथ जी का दोस्त है, हैं जगन्नाथ जी का दोस्त है। जगन्नाथ जी ने क्या किया, उसको जगत में उनका प्रशंसा को दिलाने के लिए एक दिन जगन्नाथ जी को उसका नाम था माधव, बोले चलो आज हम दोनों खेलते थे, कृष्ण का दोस्त था, तो चलो हम आज कटहल चोरी करके खाए, बोले कटहल चोरी करके, बोले हाँ चलो। एक भक्त एक व्यक्ति घर में जाएंगे, जगन्नाथ जी ने क्या किया, रात और उसको पेड़ ऊपर चढ़ा दिया, बोले तू पेड़ ऊपर चढ़ गया है, चढ़ करके देखो जो कटहल है ना पका हुआ कटहल, उसको पेड़ में चढ़ गया और कटहल को तोड़ा, बोले फेंक में पकड़ता हूँ, जब उसने फेंका ना जगन्नाथ जी बाप के, और कटहल को जो फेंका इतने बड़ी जोर से आवाज हुई, और जो दुनिया का जो मालिक स्वामी उसका घर को पास में था कटहल का पेड़, इतने में उसने जगा जगह तो इतना आवाज कहाँ से आई, आवाज अगर नीचे कटहल पड़ा हुआ एकदम फटा हुआ पका हुआ, कटहल कैसे ऊपर देखा बैठा,
बैठा हुआ इतने बोले भैया इसको तो लोग समझते थे कि जगन्नाथ जी का बड़ी भगत है, लेकिन भगत तो क्या है, चोर है, हैं? उसको पकड़ ले, कटल चोर पकड़ ले, इसको कटल चोर है, उसको पकड़ कर राजा को दिए, उसको बंदी कर दो, बंदी बना दो। इतने में जगन्नाथ जी ने आपको स्वप्न दिया, बोले महाराज जी ये माधव है मेरे दोस्त है, ये मेरी सखा है, इसलिए इसको कोई दुनिया में नहीं जानते थे, वो मेरा इतना बड़ा भगत है, उसको जगत में इसकी प्रशंसा को जगत में फैलाने के लिए मैंने ये लीला की, अगर भक्त है इसको आप छोड़ दो, हैं छोड़ दो। इसलिए माधवेंद्र को जब जगन्नाथपुरी में पहुंचे ना, जगन्नाथ जी स्वयं स्वप्न दे दिया किसको, राजा को, देखो वृंदावन से एक बड़ा भक्त आ रहा है जिनका नाम माधवेंद्रपुरी, वो मेरे चंदन लेकर के है, मेरे शरीर में चंदन लगाने के लिए आ रहा है, लेने के लिए, उसके लिए मलय के चंदन की व्यवस्था कर देना। राजा बोले भैया इसे कौन सा भक्त है जो जगन्नाथ जी के लिए स्वप्न देते हैं, वो पूरी पहुंचने से पहले ना, पूरी पहुंचने से पहले ही इन्होंने जगन्नाथ जी जो राजा था, सुंदर फूलों की माला, उनके लिए सुंदर चंदन, आरती की थाला लेकर के पहले ही भरे। जब ये पहुंचे इनको आरती उतारे, इनको आरती उतारे, पूजा किया, गले में माला की फूल बने, बोले भैया मैंने वहां प्रतिष्ठा छोड़ कर वहां से आया और यहाँ से मेरी पूजा सेवा हो रही, इसलिए फिर राजा ने किया कि इनके लिए चंदन की इनके लिए उन्होंने व्यवस्था कर दी। फिर जब वो चंदन लेकर के कितने 80 साल उम्र में है, इतनी उम्र में जगन्नाथपुरी से जो रेमुणा है, पता नहीं 400 किलोमीटर ना 500 किलोमीटर होगा, इतने सारे कितने मान चंदन को सर पर रख करके हैं, वहां से चंदन को क्यों, ठाकुर जी के शरीर में ये चंदन की सेवा ठाकुर जी को होगा, इसी प्रसन्नता में इतनी उम्र हो जाने पर भी लकड़ी की गठरी सर कर लेकर के इतना दूर से चलते 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 आए। फिर जब खीरचरा गोपीनाथ में रुके, फिर ठाकुर जी फिर स्वप्न दिया, बोले देखो मैं और वो जो गोपाल जी है ना, हम इसे कोई हालत नहीं, एक ही है, हैं? अगर तुम चंदन यहीं पर घीस करके मेरे शरीर में लगाओगे, मेरे को ठंडक अपने आप वहां पहुंच जाएगा, हम एक ही है। बोले क्यों, उन्होंने क्यों यही कहते, बोले उन्होंने देखा रास्ता में नदी पार करना पड़ता, उसमें 10 लोग रहते थे और इतना दूर से कहाँ वृंदावन लेकर जाएगा और कहाँ जगन्नाथपुरी है, इतने दूर से मेरे भक्तों को इतना कष्ट नहीं हो, इसलिए ठाकुर जी क्या बोले वहीं पर चंदन की लगा। इसलिए देखो ठाकुर जी चंदन, ठाकुर जी को इतने प्यारा है ठाकुर जी, यहाँ से माधवेंद्रपुरी के लिए, माधवेंद्र जिनके लिए कहा जाता है ये प्रेम की ये अंकुर है, महाप्रभु जो ब्रज भक्ति को उन्हें जो मंजरी भाव को देने के लिए आए थे, उसका अंकुर कहाँ हुई, अंकुर माधवेंद्रपुर की प्रेम की अंकुर इनको बताया जाता है। इन्होंने मैं को दर्शन करते ही कृष्ण स्मरण करते करते हुए बेहोश हो जाते थे, हाँ हे दीन दयाल नाथ हे मथुरा नाथ, कभी ये श्लोक केवल 3 व्यक्ति ही पूर्ण रूप में ये श्लोकों का रसास्वादन करते थे। बोले 3 व्यक्ति कौन है, बोले एक श्रीमती राधा रानी और एक श्री चैतन्य महाप्रभु और एक श्री माधवेंद्र का श्लोक है। इतने बड़े भक्त है लेकिन महाप्रभु मतलब भगवान को चंदन इतने प्यारा है, भगवान इनको स्वप्न दे करके कहाँ वृंदावन से कहाँ भेज रहे हैं, जगन्नाथपुरी भेज रहे हैं। पर वहां से जब आते हैं फिर स्वयं खीर चुरा गोपीनाथ को कहते मेरे शरीर में ये चंदन को मेरे शरीर में लगाओ, मेरे को लगाने पर अपने आप है गोपाल जी को ये ठंड को पहुंच जाएगा। इसलिए ये जो अक्षय तृतीया आज जो ये अक्षय तृतीया है, इसलिए ठाकुर जी क्या ठाकुर का शरीर क्या गर्म हो गया, ठाकुर जी जिनके लिए कहते हैं कृष्णदास कविराज के उसमें कहते ना कोटी चंद्र सुतलम, भगवान की शरीर कैसे है, बोले करोड़ों चंद्रमा से भी इनके शरीर से भी ज्यादा कोमल भगवान की शरीर, ठाकुर जी का शरीर। इसलिए कृष्ण कहते हैं ना मेरा शरीर इतने कोमल मेरे शरीर है, लेकिन राधा रानी की शरीर को स्पर्श करते ही मेरे को बड़ा सुशीतल मिलता है।
मेरे शरीर तो सुशीतल है, लेकिन राधा जी की शरीर को जब स्पर्श करता है मेरे को, वो सुशीतलता की प्राप्त होती है। राधा जी की शरीर को स्पर्श करने पर सुशीतलता की प्राप्त होती है। ऐसे कृष्ण का शरीर सुशीतलता है, लेकिन ये कृष्ण का शरीर तो इतना सुशीतल है, लेकिन कृष्ण को ये चंदन क्या ज्यादा सुशीतल? ये कृष्ण का शरीर का सुशीतला से क्या चंदन उससे ज्यादा क्या सुशीतल है, जो कि कृष्ण को शरीर पर लगाने से कृष्ण शरीर में सुशीतलता प्राप्त होगा? चंदन सुशीतल लगेगा नहीं है। अरे कृष्ण क्यों कहते हैं, बोले उमा देवी की जय हो, उमा महारानी की जय। एक माला उमा रानी देवी पहना देना थी, जोग माया देवी, जोग माया की माला, इसलिए माला बुद्धि दे दो, बुद्धि दे दो। सुन दर्शन एक दिखे तब एक खुद ही उठाए, अरे एक दिखे दर्शन आ गए एक दिखे दीदी दर्शन कर लो दर्शन। एक दिखे सुन उमा महारानी की जय। इसलिए यहाँ प्रश्न होता है, क्या कृष्ण शरीर से भी ये चंदन का जो सुशीतलता है इतना क्या जाता है जो कि उसकी सुशीतलता को प्राप्त होगा? वे नहीं बोलते है, कृष्ण इसे स्वप्न क्यों दे रहे हैं और उनको भेज रहे हैं और इतना क्यों कर रहे हैं? बोले कारण है, भक्तों को अपना सेवा देना, ठाकुर की भक्तों को सेवा देना चाहते हैं। जैसे हमारा ये चंदन का है, ये चंदन का जो श्रृंगार है, हम बताओ कितना दिन से चंदन यहाँ की सजा? 10-15 दिन से, 15 दिन से हमारे भक्त लोग 15 दिन से वो चंदन घीस रहे हैं, 15 दिन से चंदन घीस रहे हैं। क्यों? बोले ठाकुर को शरीर में चंदन की लागी हुई, तो भक्तों की भावना कैसे देखो? भक्त लोग क्या कर रहे हैं, कितना दिन से चंदन लग गया ठाकुर को, चंदन लगेगा। इसलिए ठाकुर जी भक्तों को क्या देना चाहते हैं? ठाकुर जी भक्तों का अपना सेवा देना चाहते हैं, भक्तों को ये सेवा प्राप्त हो और ये सेवा से भक्तों का कल्याण हो, मंगल हो। इसलिए आज भी देखो हम लोग ने चंदन की ठाकुर का श्रृंगार किए, 3-4 दिन से लगे हुए हैं, ठाकुर का फूल कैसे बनेगा, उनका श्रृंगार। श्रीदार भैया कहाँ गए? यहाँ पर बैठे हैं। इसलिए श्रीदार भैया ने क्या कर रहे हैं वहाँ से, और हमारे गौर सुंदर लोग मुकुट कैसे बनाएंगे, ठाकुर का चंद्रिका कैसे बनाएंगे, ठाकुर का मतलब उसमें कितने आविष्ट है, जीव का कल्याण कैसे होगा? कितना अनुग्रह या भक्ता नाम करोगी विविध क्रिया, भगवान भक्तों को बड़े अनुग्रह करने के लिए भगवान ये सुंदर सुंदर ठाकुर जी ये लीला करते हैं। इसलिए भक्त लोगों की भावना ठाकुर जी की सेवा, आज कितने भक्त लोगों ने कितने ठाकुर को दर्शन करते हुए कितने खुश होते हो, दान दिया है भक्त लोगों ने ठाकुर के लिए अलग रूप में। आज ठाकुर हमारी सेवा हो, कोई फूल श्रृंगार की प्रसाद की सेवा, कोई खाना की सेवा, अलग अलग कल की क्या भंडारा। इसलिए कल इसलिए क्यों भगवान अपना भक्तों को सेवा सुजोग देना चाहते हैं, सेवा सुजोग दे करके भक्तों को बड़े में कृपा करना चाहते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने क्या कर रहे हैं, ये चंदन यात्रा के श्रृंगार को ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ठाकुर जी का कल्याण करते हैं। इसलिए जो चंदन का जो श्रृंगार हुई है, इसमें एक था हमारे कौन, जैसे श्री सुदामा भैया ने क्या किया, ये मैन मिस्त्री है, मैन कलाकार है, ठीक है, और इनको साथ में हमारे अनिरुद्ध प्रभु जी हैं, बड़े सुंदर रूप में उन्होंने क्या किया, उनका गले में जो सुंदर माला थी, बड़े सुंदर माला को प्रभु ने, अरे गौर सुंदर प्रभु का जो मुकुट थी, चार तरफ में जो पहना जो चंद्रिका सेवा की, फिर हमारे लड्डू गोपाल सजाया, लड्डू गोपाल सेवा की, लड्डू गोपाल सजाया, गौर ने बड़े सुंदर उन्होंने ठाकुर से और हरीश महाप्रभु फूल सेवा, फूल का श्रृंगार भी और ठाकुर का चंदन श्रृंगार भी, हरीश प्रभु की और हमारे श्री गौर महाप्रभु विजय विग्रह, विजय विग्रह को सारा दिन में घर में छुप जा भद्र, इन्होंने भी बड़े सुंदर ठाकुर जी को एकदम तिलक तिलक ठाकुर चंदन लगाना है और भरत जी है घर में है तो भरत प्रभु जी। इसलिए इसी सेवा में है, आज प्रसाद की सेवा में भी भक्त लोगों ने बहुत मदद किया, भक्ति सेवा में
हमारे मधुकांत प्रभु ने रसोई मधुकांत प्रभु ने रसोई बनाए और हमारे मोहित और मुरारी प्रभु ने ढोकला बनाया था। ढोकला 102 भुखारे में प्रभु जी बनाए 102 भुखारे ठीक है। देखो ठाकुर जी हमारे भक्त लोगों ने हर तरह से तन मन और धन हर तरह से ये सेवा में सुजग प्राप्त किया। इसलिए ठाकुर जी यही सेवा का मौका देते थे। धीरे 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 भक्तों को भक्ति जगत में उन्नत में ले जाने के लिए है ये चंदन का जो चंदन यात्रा है। ठाकुर जी ये चंदन यात्रा को स्वीकार करते हुए और जगन्नाथपुरी में तो 21 दिन तक जगन्नाथ जी चंदन यात्रा में ठाकुर जी नौका विलास करते हैं। और कहते जो आज जो अक्षय तृतीया एक अक्षय पात्र है ना, नाम सुने भी अक्षय पात्र द्रौपदी का, द्रौपदी के पास में जो अक्षय पात्र थी कहते आज का दिन ही कहते ये सूर्य देवता ने ये अक्षय पात्र भी उन्होंने आज का दिन किसको दिया, ये द्रौपदी को उन्होंने अक्षय पात्र प्रदान किया। जो अक्षय पात्र है कभी उसमें खय नहीं हुई, इसलिए द्रौपदी जब तक भोजन नहीं कर लेगी तब तक वो विश्व ब्रह्मांड को खिला सकती है ये द्रौपदी है। इसलिए वो अक्षय पात्र है जिसके जिसमें दुर्वासा जी स्वयं आते हैं है? दुर्वासा जी स्वयं वहां पर आते हैं है? इसलिए आज का जो तिथि है और आज का दिन ये संधि है। तो समय जो मिलता है ना उसको संधि कहते हैं। जैसे जो नदी का संधि में कोई अगर शुभ काम करो वो शुभ काम सार्थकता होता है। दो नदी की संधि मिलन है जैसे गंगा जमुना सरस्वती प्रयाग तीन नदी तो वहां पर है। इसलिए उसी तरह आज का दिन जो की संधि है गर्मी और ठंडा आज से कहता गर्मी बढ़ेगी ठंडा कम होगी इसलिए संधि काल है। इसलिए आज का दिन कोई भी काम हो आंख बंद करके भी आज का दिन कोई काम करे तो वो काम जरूर सार्थक होता है। इसलिए आज का दिन हमारे श्री भक्ति प्रज्ञा श्री केशव गोस्वामी महाराज कहते ये गौरी वेदांत जो समिति है इन्होंने आज का दिन ही इन्होंने ये गौरी वेदांत समिति को स्थापन किया था। बोले क्यों, बोले महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था पृथ्वी के आश्चर्य नगरा दिग्रा सर्वत्र प्रचार है ये मरना सुखी है या लोग मर जाए है ये महाप्रभु का ये भविष्यवाणी था। इसलिए हमारे श्री भक्ति प्रज्ञा श्री केशव गोस्वामी महाराज ने ये समिति अक्षय रहे दिन प्रतिदिन बैठते रहे भक्ति जगत में दिन प्रतिदिन वर्धित होते रहे और महाप्रभु का वाणी सर्वत्र प्रचार और प्रसार हो इसलिए उन्होंने आज का दिन ही ये वेदांत समिति को उन्होंने स्थापन किया था। इसी दृष्टिकोण से आज का जो दिन है आज का दिन जो काम हम करेंगे आज का दिन जो हम काम करेंगे इसका जो फल क्या होगा इसका फल भी हमें अक्षय फल की प्राप्ति होगी। इसलिए आज का जो दिन है ना बहुत बढ़िया दिन आज दिन है। इसलिए उमा महारानी अपने कुछ बोलवे हाँ हम तो सभी बोल दिए हम कुछ चाहे नहीं हमें सभी बोल दिए किन्तु हरि अनंत हरि कथा अनंत भगवान की कथा कौन की शेष है एक तो बोलू ना एक तो आशीर्वाद दिन उमा दीदी की एक तो नहीं अपनी अपने ठाकुर श्रृंगार देख ले ठाकुर श्रृंगार दर्शन कर ले की रकम हो जस्य प्रसाद भगवत प्रसाद जस्य प्रसाद नगति कुतोपि धैंस्त्वं जस्यस्ति सन्ना बन्दे गुरुसि चरणारविन्दम्
गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुरंगतें गिरि यत्कृपा तमहं वंदे श्रीगुरो दीनतारिणीं। आजान लंबित भुजौ कनक वदातौ संकीर्तन पीतरै कमलातक्षै। हरे कृष्णा चंदन यात्रा दर्शन रूप सनातन गौड़ीय मठ। कृष्ण एंड कृष्णस लेफ्ट साइड विद राधा रानी परम गुरुदेव श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ऑन द राइट साइड श्री चैतन्य महाप्रभु एंड वृंदा देवी। एंड गुरुदेव श्रील भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज डेकोरेटेड दिस ठाकुर जी स्मॉल वन ब्यूटिफुल। कितना पावन तिथि है अक्षय तृतीया के संबंध बाबू जी ने बताया। आज का दिन हमारा याद आए मथुरा मठ में प्रभु जी को भी याद आए महाराज जी को भी याद आए। कितना मिट्टी का कलसी कितना फैन हवा आत्मा का अजब का साक्षात क्यों ना सत्य जी का प्रारंभ दिन आ जाए। अजब पहले फसल है बहुत पवित्र फसल है जब इसके छातु बना के पाया जाता है। आज आप लोग बनाया हम हमारा भी यहाँ भेज दिया हम सब वैष्णव लोग को दे दिया तो आज बहुत पवित्र दी थी। पिछले आज का दिन का खूब इंडिया में भारत में खूब दान धान का एक परिस्थिति है खूब दान धान करते है। आज जो करेगा ना उसको अक्षय फल मिलता है। तो आज जो करेगा कुछ देगा कोई मंदिर में देगा दो प्रकार स्वीकृति बनता है। एक है स्वर्गोदान के लिए एक पुण्य स्वीकृति पुण्य जनित और एक भक्ति जनित स्वीकृति। भक्ति जनित स्वीकृति को गोलोक वृंदावन में ले जाएगा और ऐसे पुण्य जनित स्वीकृति स्वर्ग तक दे जाएगा। स्वर्ग में तुम्हारा कर्म का फल जब खत्म हो जाएगा वहां से ढकेल के तुमको पिन फेंक देंगे। और हम लोग का भगवान को राधा कृष्ण का चरण को सेवा करने से क्या होगा फिर हम लोग का इतना कष्ट मिलने के लिए जगत में आना नहीं पड़ेगा। तो आज का दिन जो कुछ करेगा अक्षय होता है। इसके महत्व है हम लोग आज का दिन जो कुछ करेगा ना वो हमारा स्पिरिचुअल बैंक में चले जाता है। आज जब जाएंगे ना वो पैसा हमारे साथ जाएंगे। और दुनिया में जितना पैसा ऐसा बैंक में रखा है वो एक दिन एक दामरी भी नहीं मेरे साथ जाएगी। लेकिन आज का जो कुछ मंदिर में दर्शन किया है कुछ पांच कुछ दिया है कुछ कुछ दान धान किया है उसका फल जो होता है अक्षय उस स्पिरिचुअल बैंक में जाने से आप जो मरने के बाद आपको साथ किया जाएगा ना आपको कर्म। अरे जो कर्म स्वीकृति मूलक जो कर्म किया है ना वो दूसरा है भक्ति मूलक स्वीकृति ये आपको जाएगा दूसरा जन्म में उसको आपको भजन का सुजोग सुविधा मिलेगा। और विशेष करके चंदन यात्रा संबंधे तो माधवेंद्रपुरी पाठ की कथा सब भी सुना है अभी अभी महाराज साहब बताया कैसे माधवेंद्रपुरी एक भक्त भगवान से महाराज बोला ना ये चंदन यात्रा सबको सेवा देने के लिए ये चंदन यात्रा का व्यवस्था है। भगवान देखा हमारा शरीर में इतना गर्म हो गया तो इतना गर्म हे माधव जाओ पूरी दक्षिण भारत से हमारे कुछ चंदन और कुछ कपूर ले आओ इसको घींच के मेरे लगाओ हमारे अंगों में। लगाने से क्या होता है हमारे अंगों तुमने तो इतना स्नान किया है अभिषेक किया है इतना
हजार हजार पानी से स्नान किया थे तब भी मेरा नहा गर्मी नहीं जा रहा है शरीर में। इसके मतलब क्या है? भक्तों भगवान को सेवा करने के लिए उस समय हमारा माधवेंद्रपुरी पाठ का उम्र 80 से जा रहा है आज चल के आना। तो उस समय तो कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, कोई ट्रेन कोई बस गाड़ी बैलगाड़ी ये सब कुछ नहीं था। पैदल कहाँ से उत्तर प्रदेश यूपी बिहार बंगाल उसके होते हुए उन्हें उड़ीसा में प्रवेश किया। कोई दुख नहीं है, चलते 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 कितना गोपाल चंदन मांगा है, सेवा में कितना उत्साह है। तो ये हम लोग आप कितना दिन आप लोग भी चंदन घिस के, हमने तो चंदन घिसा ही नहीं इस टाइम। जब यहाँ रुक्रनाथन में रहते कभी कभी घिसते, थोड़ा बहुत तो घिसा है लेकिन अभी 2-3 साल से घिसा ही नहीं। तो सुकृति बनेगा कैसे? क्यों ना मैं अभी सेवा से विमुख है, माने हमने उम्र हो गया उतना सेवा तो नहीं कर पाती, इसी ये मेरा दुर्भाग्य का परिचय। चंदन कैसे घिसेंगे, वो शरीर में ताकत पड़ेगा, करने का इच्छा ही नहीं करता है। नहीं नहीं सेवा में विमुखता, भगवान का सेवा में जो जितना तीर्थ महाराज कहते घिस घिस के कुछ करो सेवा करो तो आगामी जन्म में भजन करना। अभी तो घिसो शरीर तो कहाँ इच्छा होता है, अभी उम्र हो गया अभी हम कुछ कर नहीं पाती हूँ, ए मैं बहाना बन गया। तो हम बहुत महाराज जी का मुझे श्रीधर महाराज मुझे बहुत स्नेह कृपा करते हैं, जैसे क्या बोलूं। तो हम उनके चरण में धन्यवाद, मुझे आशीर्वाद करे हम कुछ भजन कर सकूं, कुछ सेवा में मेरा उत्साह रहे। और ये पावन तिथि में महाराज की और कोई गुड्डी, चलो बोलो कुछ बोलो। टू मिनट ब्लेसिंग प्रभु, वन मिनट थैंक यू फॉर कमिंग, धन्यवाद। अज्ञानं च निरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। First I offer my unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Diksha Gurudev, Nityalila Pravishta Om Vishnupad Astotra Sat Sri Srimad Srila Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, the same unlimited obeisances in the dust of the lotus feet of my most worshipful Shiksha Gurudev, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Astotra Sat Sri Srimad, Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj, to all of our Guru Varga and all the assembled devotees. So you've all been hearing so much about this glorious day, the day that the Gaudiya Vedanta Samiti was established. And in fact, you may know that our Srila Prabhupada Bhaktivedanta Swami Maharaj was one of the founding members, such an intimate family relationship. Intimate relationship in Goloka Vrindavan. I once asked Srila Gurudev, can we think of you and our Guru Maharaj serving together? And he said, no, you can think of me serving under him there in Goloka Vrindavan. So they made a glorious plan to come here and each be assigned their specific duties in establishing pure bhakti
around the world, which is going on now so phenomenally. So you've been hearing about this glorious day, the day of the creation of the universe, the day where Brahma made barley. You're all having barley prasadam, the day of Chandan Yatra, of the deities of Lord Jagannath, and the day of disciple of Srila Prabhupada, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur's appearances and disappearance days coming this glorious week. And not all of us have grand projects to start on this week, but we all have the project of increasing our sadhana in this week. One more internal project that I started on this week was to increase my reading and then to remember the reading, to share whatever I've just read with a few devotees so that I wouldn't forget. Srila Gurudev said once in Badger that now I'm giving a class. If after the class you talk about something else, then whatever I've said will evaporate into the ear and to the air. And if after my class you repeat whatever I've said, then it will go into your heart. That reminds me of a very beautiful history that Srila Gurudev told in Badger, that there was one king and he had 9 jewels of advisors. So a very strange looking person, naked with matted hair, carrying a skull under his arms, said to the king, "I want to know from your advisors, was this person intelligent or foolish? The one who had that skull, the one who lived before it became a skull." So the king said, "How can anyone tell that just by looking at a skull?" And his advisors also said that. He said, "Oh, I thought your advisors were intelligent. I see that they're foolish." And then the king said, "Wait, my main advisor, Kalidas, he's just coming now. He'll give the answer." So then when Kalidas came, he put a straw through the ear of the skull and it came out the other end. So he said, "This person was foolish." So everybody said, "Well, how did you know?" He said, "Well, because I put the straw in one ear and it came out the other ear. If he was intelligent, the straw would have gone down his neck to where his heart was." So we can't imitate being on the heart platform. I remember I was just sharing that in 1992, when I was first hearing all this beautiful katha from Srila Gurudev, I would share it indiscriminately with so many of my god brothers and god sisters from ISKCON, and then I would get so much criticism from them that we're sahajiyas and Gurudev sahajiyas, and even the devotees, my god brothers and god sisters from ISKCON who were thoroughly with Gurudev, were also angry at me for being indiscriminate and giving Gurudev a bad name. So then I asked him one day, "It seems that I don't have the discrimination of knowing who to tell what to that you've presented to us, or what to tell who to. So I don't know what to do to get more discrimination." He said, "Your question is coming because you're on the platform of Vaidhi Bhakti. And Vaidhi Bhakti is the platform of mind and intelligence. When you come to Raghunuga Bhakti, which is the platform of the heart, then the heart will automatically dictate to you what to say and what not to say, what to pray and what not to pray, what to do and what not to do." So although we
I can't artificially imitate being on that heart platform. I know that he said if you repeat what you read and what you hear, then it will gradually stick with you, and that's what you'll remember instead of nonsense things. So my vow of today is to read more and share it with as many people as I can so that will stick, and to learn more verses and practice them and do at least 52. I know Sridhar Maharaj knows thousands of verses, but I'm making a promise that at least in the next year I'll learn 52 more than I know now. When I first met Srila Gurudev, one of the first things I told him is that I preach all around the world and I have a lot of intellectual understanding of the philosophy, but no experiential understanding, no realization. And I expected him to say, intellectual understanding is not everything. But instead, he said, intellectual understanding is no understanding. It's nothing until we get to the heart. So I'll end my speech here. And thank you very much for tolerating me. And please excuse me for taking your time. Thank you so much. अरे तो बंद कर बंद कर फिर प्रसाद फिर प्रसाद आप ही कर दीजिए बहुत लोग बहुत लोग देखे हरि बोल हरि मृदंग बोले जय जय देव हरे जय जगन्नाथ हरे जय जय देव हरे Jai 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 Jai
Yeah.